हम किसानों को बढ़िया से बढ़िया उपज मिले इसके लिए ये हाइब्रिड प्रजातियां जहां प्राइवेट कंपनियों के द्वारा तरह तरह की नई नई लॉन्च की जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किसान भाइयों को मिले इसके लिए प्रेरित करती हैं, वहीं पर यूनिवर्सिटियां जो हैं, कृषि विश्वविद्यालय जो हैं, वो भी नई नई वैरायटियों को किसान तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। अब डिसाइड हमें करना होता है कि हम हाइब्रिड प्रजातियों की तरफ जाएँ या यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वैरायटियां लॉन्च की जाती हैं अच्छी उपज देने वाली उनकी तरफ जाएँ, वो आपको ही डिसाइड करना पड़ता है। मेरा बस काम है आप तक एक जानकारी पहुंचाना, एक माध्यम रहता है कि आप इस वैरायटी को अगर बुआई करना चाहते हैं तो क्या अच्छाइयां हैं और क्या कमियां आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मैं दोस्तों केवल किसी वैरायटी की अच्छाई नहीं बताता हूं, यदि जो कमियां होती हैं वो भी मैं रियलिटी बताता हूं, जिस कारण से आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट करने के लिए बस एक ही काम है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और कमेंट भी भर भर कर करना चाहिए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी या क्या कमी जानकारी में है या आगे भविष्य में आप कौन सी जानकारी चाहते हैं, अपनी राय भी जरूर व्यक्त कीजिए। इसके लिए कमेंट जरूर कीजिए और लाइक भी वीडियो को जरूर कीजिए। आज दोस्तों जो हम इस क्रम में वीडियो को लेकर आए हैं वो एक हाइब्रिड प्रजाति पर है जो बायर कंपनी की है, और जैसा कि आपको पता है कि बायर कंपनी जो वैरायटियां धान की निकालता है वो अराइज नाम से निकालता है, तो इस वैरायटी का नाम है AZ8433DT। AZ8433DT जो है अभी जल्दी ही लॉन्च की गई है, बहुत पुरानी किस्म नहीं है, लेकिन इस वैरायटी को निकालने का कंपनी का क्या पर्पज रहा वो दोस्तों आपको पता चल जाएगा और आपके लगाने के लिए कितनी ये अच्छी साबित होगी और कितनी ख़राब साबित। हमारे क्षेत्र में क्या है, मध्यम अवधि की धान को लगाना किसान भाई ज़्यादा उचित समझते हैं जो 130 से 40 दिन पर पककर तैयार हो जाती है, तो ये वैरायटी जो है नर्सरी डालने से लगा करके और कटाई तक का समय देखा जाए तो 130 से 135 दिन का ले लेती है। जिस हिसाब से देखा जाए तो आप यदि थोड़ा बहुत लेट भी धान की रोपाई करते हैं तब भी आपके लिए वैरायटी काफ़ी अच्छी साबित होगी। वहीं पर एक समस्या आती है कि हाइब्रिड प्रजातियों में अक्सर गिरने की सबसे ज़्यादा समस्या देखनी गई है कि आप जो है वैरायटी को लगा दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन लास्ट में जब हवाएं चलती हैं या पानी खेत में जमा होता है तो उस दौरान जब हवाएं चलती हैं या बाली का वजन बढ़ता है तो फसल गिर जाती है, जिससे के कारण हमें उत्पादन पर कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है, गुणवत्ता धान की ख़राब होती है। तो इस मामले में इसके पौधे थोड़े मजबूत होते हैं, इसलिए गिरने के चांस काफ़ी कम होते हैं। ऐसा नहीं कि हाइब्रिड प्रजाति है तो गिरने के संभावना तो है, लेकिन दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा देखा जाए तो काफ़ी कम होती है। अब अगली बात आती है कि जब हम लोग धान की रोपाई करते हैं तो कल्ले आज के समय में फुटाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो बहुत सी वैरायटियाँ हैं जिसमें 25-30 तक कल्ले निकल जाते हैं। निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र की मिट्टी कैसी है और मिट्टी में कितनी ताकत थे, लेकिन इस वैरायटी के बारे में जो बताया गया है, कंपनी ने ही बताया है कि 13 से 15 तक इसमें कल्लों की संख्या निकल आती है, तो 13 से 15 तक यदि कल्ले बताए गए हैं तो 12-13 भी रह सकते हैं और 18-20 भी रह सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो थोड़ी कल्लों की संख्या इस हिसाब से देखी जाए आज के समय के हिसाब से तो थोड़ी कम निकल, लेकिन बाली की जो लंबाई है काफ़ी अच्छी लंबाई है, क्योंकि एक बाली में 250 से 300 तक दाने होते हैं, जबकि आपकी यदि बायर की कंपनी के दूसरी वैरायटियों की बात करें तो उसमें 350 तक दाने होते हैं, तो कहीं ना कहीं बाली में भी दाने की संख्या थोड़ी कम है। इस कारण से जो कंपनी द्वारा उत्पादन बताया जाता है वो 1 एकड़ में 30 से 32 कुंतल तक उत्पादन लेने की अधिकतम क्षमता बताई जाती है, लेकिन जो किसानों को उत्पादन मिला है वो 22 से 23-24 कुंतल के आसपास ही किसान भाई इस वैरायटी से उपज ले पाए हैं। आमतौर पर यदि मेरे क्षेत्र की बात की जाए तो ऐसे ही किसान भाइयों को दूसरी वैरायटियों से भी उत्पादन मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिससे 28-30 तक कुंटल तक भी पैदावार मिल जाती है, लेकिन सामान्य पैदावार 20 से 22-23 कुंटल ही मिल पाती है, तो उस मामले में इतनी अच्छी नहीं साबित हो रही है, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। लेकिन चावल के मामले में देखा जाए तो मध्यम पतला चावल है, यानी बहुत मोटा चावल नहीं है, मध्यम मोटा नहीं है, मध्यम मोटे से भी थोड़ा पतला चावल है, तो हमें ऐसा लगता है यदि खाने में अच्छी स्वादिष्ट हो तो किसान भाई खाने के लिए लगा सकते हैं, बाकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी रहती है, तो इस मामले में बिक्री करने जाएंगे तब भी आपको रेट थोड़ा अच्छी दे देगी। बाकी इसके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं कि चावल टूटता है नहीं टूटता है, हल्दी रोग तो लगता होगा लेकिन हमें क्लियर नहीं पता है कि हल्दी रोग लगता है नहीं लगता है। आप यदि इसकी बुआई किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हल्दी रोग लगता है कि नहीं लगता है। बाकी जो रोग नहीं लगते हैं, जो लगते हैं उसके बारे में अब हम
यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए आज के समय में BLB यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और भूरा माहू ये काफ़ी बड़ी समस्या है और इसके लिए किसानों को दवाओं पर खर्चा भी काफ़ी करना पड़ता है। 3 से 4 बार दवाएँ स्प्रे करनी पड़ती हैं। दोनों दवाओं का यदि हम एक स्प्रे की बात करें तो लगभग 400 से 500 रुपये 1 एकड़ में 1 बार का खर्चा आ जाता है। तो अब ये ऐसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और भूरा माहू जैसी समस्या है जिससे हमें अपने खेतों में 3 से 4 स्प्रे करने ही पड़ जाते हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपके खेत में यदि इस वैरायटी को लगाते हैं तो इस तरह की रोग बीमारी नहीं लगेंगे, तो वो खर्चा आपका बच जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ WBPH आता है वो लग जाता है जिसके लिए आपको दवाओं का यूज करना पड़ेगा। और जो तना छेदक है जो आज के समय में देखा जाए धान में काफ़ी बड़ी समस्या देखने को मिलती है और जिसके लिए हमें दवाओं को 5 से 6 स्प्रे भी करने पड़ जाते हैं समय को देखते हुए। तो ये दवाएं आपको स्प्रे ही करनी पड़ेगी क्योंकि तना छेदक लग जाता है, जो वाइट माहू है वो लगता है, तो इसके लिए जो है आपको दवाओं का स्प्रे करना पड़ेगा, तो वो खर्च आपको करना ही करना पड़ेगा। बाकी मामले में देखा जाए तो दोस्तों मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है और उत्पादन की बात की जाए तो कुल मिलाकर के तो ठीक ठाक उत्पादन दे देती है। बाकी यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा जल भराव नहीं होता और बिल्कुल सूखा भी नहीं रहता है और बारिश पर ना निर्भर होकर के सिंचाई कर लेते हैं, 3-4 सिंचाइयाँ या 5 सिंचाइयाँ करने की क्षमता है, तो आप इस वैरायटी को निश्चिंत लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार आपको दे देती है। तो बस दोस्तों इस वैरायटी के बारे में इतनी ही जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए